हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर 8, जो कि हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर के रूप में हम पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर का नाम है मोशन। सो इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, मोशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट को। फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ मोशन को देखेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें वेक्टर और स्केलर आता है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मोशन। यदि हम अपने आसपास अपनी नज़र दौड़ाएं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की दो स्टेट होगी, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा, ठीक है। इसके अलावा वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं देखा जाए, ठीक है। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाती हुई दिखेंगी, यानी वो मोशन करती हुई दिखेंगी, और वहीं बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो एक जगह पर स्थिर होंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, मोशन और रेस्ट, ये दो स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मोशन का यदि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो वो है हमारा अर्थ। ये जो हमारा अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे हमेशा क्या करता है, मोशन करते रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। इसके अलावा ये अर्थ जो है क्या करता है, जो सन के अराउंड क्या करता है, उसका रिवॉल्यूशन करता है। तो वो भी क्या हुआ, इसका मोशन हुआ। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे सीजन में चेंजिंग आता है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा ऋतु, कभी ठंड। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है अर्थ के मोशन के कारण। कौन सा मोशन, जो सन के अराउंड करता है। इसके अलावा अगर हमको कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो हम ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती हैं, मोशन करके जाती हैं, ठीक है। इवन जब हम पैदल भी कहीं जाते हैं तो वो भी क्या हो गया, हमारा मोशन हो गया। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि मोशन किसे कहते हैं। सो मोशन का डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट वेन टाइम passes। इसमें एक जो वर्ड है डेफिनेशन का, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो क्या है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट वेन टाइम passes। मतलब कि एक बॉडी तभी मोशन में हो सकता है जब उस बॉडी का जो पोजीशन है वो लगातार समय के अनुसार बदले, किसके रेस्पेक्ट में, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, अब रेफरेंस ऑब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यदि आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में यदि आप अपने सीट से सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे जो आपके सामने बैठा हुआ है, तो वो क्या दिखेगा, आपको रेस्ट में दिखेगा, ठीक है। लेकिन उसी ट्रेन के आप खिड़की से देखेंगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि जो आपका पेड़ है या जो कुछ भी है, घर, जो कुछ भी खिड़की से दिखेगा वो पीछे जाते हुए दिखेगा। तो ट्रेन के रेफरेंस में क्या है कि वो सारी चीज़ें क्या हो रही है, अपीयर हो रही है कि वो मोशन कर रहा है, ठीक है। चूँकि आपके सामने वाला जो बैठा हुआ है वो रेस्ट में दिख रहा है, और खिड़की से देखने पर क्या लग रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे में जब आप रेफरेंस लेते हैं खुद को और खुद के रिस्पेक्ट में उस व्यक्ति को देखते हैं जो आपके सामने बैठा हुआ है, तो वो दिखेगा कि क्या हो रहा है, वो रेस्ट में है। लेकिन उसी रेफरेंस में अगर आप चेंज कर देते हैं, ट्रेन के रेफरेंस में देखते हैं, तो वो क्या है, मोशन में है। तो इसलिए यहाँ पर मोशन को समझने के लिए रेफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक उसी तरह एरोप्लेन है, क्या है, अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके बगल वाले पैसेंजर के रेफरेंस में क्या है कि आप उस वो प्लेन क्या है, रेस्ट है, क्योंकि वो आपका और उसका जो पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं प्लेन को अगर हम इस
अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो रहा है, वो लगातार मोशन में है, ठीक है। अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट जो है वो मोशन का जस्ट अपोजिट है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विथ रेफरेंस। रेफरेंस के रेस्पेक्ट में यदि किसी बॉडी का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय बीत रहा है और लेकिन फिर भी उसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो उसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप ट्रेन में अपने सामने वाले पैसेंजर को देखें, अगर आप उसको खुद के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह तक वो आपके सामने ही दिखेगा, मतलब समय बीतता गया लेकिन फिर भी वो आपके सामने ही है, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी आपके रिस्पेक्ट में वो क्या हुआ, वो जो पैसेंजर था, जो सामने वाला व्यक्ति था, वो क्या था, रेस्ट में था। लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट, ट्रेन और उस पार्टिकुलर स्टेशन के रेस्पेक्ट में जहाँ से वो ट्रेन चली थी वहाँ से उसके रेस्पेक्ट में क्या था, आप भी मोशन में थे और वो भी मोशन में था। इसलिए मोशन और रेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। उसके आधार पर ही डिसाइड होता है कि कौन सा बॉडी क्या है मोशन में है और कौन सा बॉडी क्या है रेस्ट में है, ठीक है। अब इसको हम एक ग्राफिकली देखते हैं। रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को अगर हम इस ग्राफ से समझें तो इनिशियली ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये वाई, ठीक है। वाई पर क्या हमने डाला है, डिस्टेंस को डाला है, और एक्स पे हमने किसको रखा है, टाइम को इन आवर, और डिस्टेंस क्या, इन मीटर, ठीक है। मान लीजिए शुरुआत में एट इनिशियल आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पे है, कब, जब टाइम क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, 4 घंटा के बाद भी जब आपने देखा कि उस बॉडी का पोजीशन जो है अभी भी दूरी जो है वो 10 मीटर ही है, यानी टाइम पास कर रहा है लेकिन उस बॉडी का जो पोजीशन है वो सेम है, इनिशियल में भी 10 मीटर था और 4 घंटे बाद भी क्या है, वो 10 मीटर पे ही है, तो वो उस बॉडी का, वो बॉडी क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। ये जो हमारा डायग्राम हुआ ये क्या कहलाता है, ये रेस्ट डायग्राम होता है। ये इधर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और इधर क्या होता है, टाइम होता है, और ये बॉडी का पोजीशन है, क्योंकि द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी का पोजीशन जो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहा है, उसका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहा है, ठीक है। तो डायग्राम से समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ब्रीफली में, ठीक है। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। पहला क्या है, लीनियर मोशन, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ और मैं बोल दूंगा, ठीक है। अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। लीनियर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर किसी भी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन, ठीक है। अगला मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, उस पे मूव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। सो डेफिनेशन इसका हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस, कोई बॉडी यदि एक फिक्स्ड एक्सिस के तहत मूव करता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रोटेशनल मोशन। एज फॉर एग्जाम्पल फैन, फैन क्या होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, ठीक है, उसके अलोंग क्या करता है, वो मूव करता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फैन जो है एक फिक्स्ड मोशन एक्सिस के अलोंग वो लगातार मूव कर रहा है, ठीक है। अगला है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो, FRO है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो क्या होता है, जैसे ये
पेंडुलम का जो मोशन होता है इनिशियली ऐसे था, फिर हम इसको इधर ला करके ऐसे खींच दिए, ठीक है, इधर लाए, फिर यहाँ से हम छोड़ दिए, तो फिर ये यहाँ से सीधे कहाँ आ गया, यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये इसके बाद यहाँ से फिर अपने इस पोजीशन, बार बार इस जो पोजीशन को चेंज कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी सो ओसिलेटरी मोशन का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, टू एंड फ्रो, एफ आर ओ, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। आपको नोट्स बनाने के लिए यदि आप चाहें तो वीडियो देखते टाइम भी पॉज कर करके बना सकते हैं, या फिर एक बार वीडियो देख लें और इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में उसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, उसको मेजर किया जा सकता है, वेट क्या होता है उसको मेजर, मास क्या है उसको मेजर किया जा सकता है, वेट क्या है उसको मेजर किया जा सकता है, उसके अलावा कितना रेंट को मेजर किया जा सकता है, मतलब जिन सारी चीज़ों को मेजर किया जा सकता है उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, पहला क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, लेकिन इन द केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों को हम कंसिडर करते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़, इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हो जाएगा दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, उसकी डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं हो, वो क्या कहलाता है, वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में डिस्टेंस, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछता है, ठीक है, तो मान लीजिए उसका रास्ता ऐसे है, ऐसे होकर के तब ऐसे है, ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ 50 किलोमीटर है। अगर कोई पूछता है कि हमको ए से बी तक जाना है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो क्या बताएगा कोई, हाँ उसकी डिस्टेंस ए से बीच की दूरी क्या है, 50 किलोमीटर है, ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं बताए, वो सीधे बता देगा कि ए से बी के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो कि वेक्टर क्वांटिटी हम आगे देखेंगे, वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेस या बॉडी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के पर ही समझें, यदि कोई बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे 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 मूव करते हुए यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, पहुँचा, और ये जो पाथ है यहाँ से ये टोटल ट्रेवल किया 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, छोटा वैल्यू ही लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना कुछ घूमने के बाद भी वो
जो यहाँ से पहुँचा तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी, 5 मीटर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि ये बॉडी कितना डिस्टेंस तय किया, तो हम सिंपली बोल देंगे कि भाई वो 15 मीटर का दूरी तय किया। लेकिन अगर कोई पूछे ये बताओ कि ये जो बॉडी है यहाँ से ए से बी किस डायरेक्शन में गया हो, मतलब ए से अभी वो किधर है, अभी ए से बी बॉडी किधर है, किधर है, अगर वो पूछे तो उस समय हमको क्या बोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर हम ये डायरेक्शन ग्राफ जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे इस अकॉर्डिंग, कोई पूछे कि बी ए से किधर है, ठीक है, बी बॉडी ए से किधर है, तो अगर हम ये नॉर्मली बोल दें कि बी जो है वो ए से 5 मीटर की दूरी पे है, अब बताइए अगर कोई इधर खोजने लगेगा, कोई इधर खोजने लगेगा, कोई इधर खोजने लगेगा, कोई किधर भी खोज सकता है। लेकिन अगर हम वो बोलें कि बी जो है वो ए से 5 मीटर ईस्ट में है, यानी हमको पता चल जाए कि अच्छा, हमको इधर इधर कहीं नहीं जाना है, हमको यहाँ से 5 मीटर ईस्ट के तरफ जाएंगे, ए से 5 मीटर हम ईस्ट के तरफ जैसे ही जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो बॉडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर नॉर्मली बोल देते कि बी जो है वो ए से 5 मीटर की दूरी पे है, उसका डायरेक्शन नहीं बताते, तो क्या होता, क्लियर नहीं होता, कोई इधर खोजता है, कोई इधर खोजता है, कोई इधर खोजता है। लेकिन अगर इसको एग्जैक्ट बताया गया कि ए से बी जो है वो 5 मीटर ईस्ट में है, ठीक है, तो हम ना नॉर्थ में गए तो हमको ना नॉर्थ में जाने की ज़रूरत है, ना साउथ में, ना वेस्ट में, सीधे हम ईस्ट की तरफ 5 मीटर जाएंगे वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको फुली एक्सप्लेन करने के लिए क्या ज़रूरत है, हमको केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा है, हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। तो वैसी चीज़ें जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, वो क्या कहलाता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो अब आप स्केलर और वेक्टर के बीच में अंतर समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी के द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया जाता है उसका लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बॉडी ए यहाँ से शुरू करता है और यहाँ कोई बॉडी ए से शुरू करता है और बी पे पहुँचता है, तो अगर उसकी अगर जो वो ऐसे इस रास्ते से होकर के ऐसे घूम करके फिर ऐसे करके वो पहुंचता है, ये टोटल टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये पूरा टोटल लेंथ ऑफ पाथ पाथ जो है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। इट इज़ अ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ये टोटल क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। इसके एसआई यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। फोर्थ पॉइंट है, इट कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है या निगेटिव हो नहीं हो सकता, मतलब कि कभी भी अगर कोई बॉडी अगर उसका डिस्टेंस जीरो है, यानी वो रेस्ट पर है, तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि कोई बॉडी यहाँ पोजीशन ए से चलना शुरू करता है, ऐसे 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 सब मूव करके, ठीक है, बी पे पहुँचता है, ठीक है। तो ए क्या हो गया, उस बॉडी का इनिशियल पोजीशन हो गया, बी क्या हो गया, उस बॉडी का फाइनल पोजीशन हो गया। इस दोनों पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से जो डायरेक्ट सीधा जो होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये बीच वाला, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिसप्लेसमेंट। अगला क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों,
इसका जो ऐसा यूनिट वो भी मीटर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अगला है इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्ले क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा हम आगे इसको समझाएंगे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस, और उसके ऊपर ऐसे तीर का निशाना लगा दिया जाता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, जैसे एक्सेलरेशन लिखना है तो ए उसके ऊपर ऐसे कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, आर है, आर रेडियस है। कोई बॉडी इस पोजीशन से, ये पॉइंट ए है, यहाँ से इस पे मूव करना शुरू करती है, यहाँ से ऐसे मूव करते करते करना शुरू करती है, और ऐसे मूव करती है इसके अलोंग, ऐसे मूव करती है और फिर यहीं पे ए पर आ जाती है। ए से शुरू किया मूव करना और फिर ऐसे मूव करके यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब जो इस बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या था, ए था, और फाइनल पोजीशन भी क्या हो गया, ए हो गया। इस बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि ये बॉडी जहाँ से इस चलना शुरू किया था वहीं पे फिर आ गया, ठीक है। ऐसे में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि ये यहीं से चलना शुरू किया था और फिर यहीं पर आकर रुक गया, इसलिए इसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो हो गया वो सेम हो गया। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, भले ही वो उसी जगह पर आ गया जहाँ से वो शुरू किया था, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा इस सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। सो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 2πr। चूंकि वो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन वो जो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी किसके बराबर है, इस सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस के बराबर, इसलिए इस बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पूछता है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्टेंस के बारे में पॉइंट वाइज करके लिखा दिया और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पॉइंट वाइज करके बता दिया, ठीक है। तो यदि एग्जाम में पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसी तरह दो कॉलम बनाएंगे, एक डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। हमेशा डिफरेंस लिखने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है, दो कॉलम बनाइए और एक में डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखेंगे। डिस्टेंस के बारे में हम पॉइंट वाइज क्या होगा, पहला पॉइंट होगा, हम लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा चूंकि पहले लिखा दिया हुआ है। पहला पॉइंट होगा इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। वहीं डिस्प्लेसमेंट के में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ ए बॉडी। उसी तरह डिस्टेंस का दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, थर्ड पॉइंट इसमें होगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट कैन बी जीरो, ठीक है। ये डिफरेंस जो है वो आपको लिखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कि कोई बॉडी यदि इक्वल
डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई बॉडी फर्स्ट 5 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है और नेक्स्ट 5 किलोमीटर में फिर नेक्स्ट 5 मिनट में फिर 2 किलोमीटर जाता है, वो क्या हो गया? ये यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट पे 2 किलोमीटर, 5 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ या व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कि कोई बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा, ठीक है। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये क्या है? हमारा डिस्टेंस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। और ये जो हमारा ग्राफ है, ये क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। सो अगर हम, जैसे कि अगर कोई बॉडी पहले 5 मिनट में फर्स्ट 5 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट में अगर वो 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है, या फिर 1 किलोमीटर ही गया, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव कर रहा है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9th और 10th दोनों की साइंस सब्जेक्ट का पूरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा। आपको अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। आप घर बैठे बैठे सब कुछ कंसेप्चुअली समझ जाएंगे और आपके पास एक अच्छा नोट्स भी हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।